नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। वक्री शनि के साथ वक्री गुरु किन राशियों को आशीर्वाद देंगे, कौन सी राशियों को थोड़ी परेशानी होगी, हम इस वीडियो में जानेंगे। वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना, तो जब ग्रह उल्टा चलते हैं तो थोड़ा रिजल्ट धीमे धीमे देते हैं, और जब गुरु नीच राशि में चले जाएंगे तो कुछ राशियों पर इसका विपरीत परिणाम भी पड़ेगा। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। 14 सितंबर 2021 को शनि देव मकर राशि में होंगे। शनि यहाँ पर 20 नवंबर 2021 तक रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में शनि चले जाएंगे। गुरु 14 सितंबर को मकर राशि में गोचर करेंगे, शनि देव के साथ होंगे। गुरु मकर राशि में नीच के माने जाते हैं और यहाँ पर शनि और गुरु दोनों ही वक्री हैं। गुरु मकर राशि में जब होंगे तो किन राशियों को क्या प्रभाव देंगे ये जानना जरूरी है, और इन दोनों ग्रहों की युति का भी क्या प्रभाव होगा ये जानना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप आगे आने वाले वक्त को समझ जाएं। यहाँ पर मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, मैं एक संकेत मात्र दूंगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके साथ आने वाला वक्त कैसा बीतेगा। बाकी और वीडियो देखिएगा, उसमें विस्तार से आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं मेष राशि से। आपके लिए यह गोचर 10वें घर में होगा, आपको चोट बीमारियों का थोड़ा सा खतरा बना रह सकता है, बच के रहिएगा। गुरुदेव व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे, व्यापारी वर्ग को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। जो भी लोग नौकरी में हैं उनको छोटे मोटे लाभ होते रहेंगे। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए यह गोचर नवे भाव में होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे, धन दौलत की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी, प्रेम संबंध बढ़िया होंगे, ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा, अच्छा समय बीतेगा, वृषभ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तीसरी राशि है मिथुन राशि, आपके लिए गोचर 8वें भाव में होगा। आपके रास्ते जो हैं थोड़े से कठिनाईदायक होंगे, आपको थोड़ा सा कष्ट आएगा व्यापार में, लेकिन सब कुछ बेहतर आप कर लेंगे। नौकरी करने वालों की परेशानियां थोड़ी ज़्यादा होंगी, व्यापारी लोग ज़्यादा खुश रहेंगे, बेकार की यात्रा ना करें, व्यापारी लोगों को बढ़िया परिणाम प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संयम बरतेंगे तो वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा मिथुन राशि वालों को। तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यापारी वर्ग के लिए अच्छा है, नौकरी करने वाले थोड़े सतर्क रहकर नौकरी करें, पढ़ाई लिखाई थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी बच्चों की। बात करेंगे कर्क राशि की, आपके लिए यह गोचर 7वें भाव में होगा। आपके लिए आमदनी के रास्ते बढ़ेंगे, वेतन बढ़ सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लॉटरी लग सकती है, भाग चमक सकता है, कारोबार में जबरदस्त मुनाफा हो सकता है, कारोबार और आगे बढ़ सकता है, धन का निवेश सोच समझ कर करेंगे तो बहुत लाभ हो जाएगा। जीवन साथी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपकी तरक्की इस समय में होनी तय है। कर्क राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ बन रहा है, शादी विवाह के योग भी बनेंगे, वैवाहिक जीवन की लड़ाई झगड़े भी दूर होंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए भी जबरदस्त लाभ लेकर आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बात करें सिंह राशि की, तो आपके लिए गोचर 6वें भाव में होगा। नौकरी और व्यापार में सावधानी रखनी होगी, तनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, झगड़ों से बचना होगा, जीवन साथी से तनाव हो सकता है, सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, तो सिंह राशि वालों को थोड़ा संभल कर रहने की मैं सलाह दूंगा। बात करेंगे कन्या राशि की, 5वें भाव में ये शनि गुरु का गोचर होगा, धन का निवेश करेंगे तो बहुत लाभ होगा, नौकरी व्यापार में तरक्की होगी, कामकाज बढ़िया रहेगा, शानदार जीवन होगा, नौकरी में तरक्की होगी, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, आपके लिए भी जबरदस्त लाभ है, बच्चों का सहयोग मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, करियर अच्छा होगा, संतान का सुख मिलेगा, बढ़िया है कन्या राशि वालों के लिए, यानी मज़ेदार दिन होंगे ये। तुला राशि की बात करें तो 4थे भाव में ये गोचर होगा, थोड़ी टेंशन, थोड़ी परेशानी, थोड़ा तनाव होगा, रुकावटें होंगी करियर में, शानदार अवसर आएंगे लेकिन रुक रुक कर आपको लाभ होगा, आपकी सेहत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मेहनत अधिक हो सकती है, पैतृक संपत्ति बढ़ सकती है, तो थोड़ी सा दिक्कत तुला राशि वालों को मिलेगी। वृश्चिक राशि, 3रे भाव में गुरु और शनि का होना पारिवारिक जिम्मेदारियों को बढ़ाएगा, घर के बोझ के तले आप दब जाएंगे, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बहुत संभल कर सोचने की सोचें, खर्चे बढ़ेंगे, जीवन साथी का ध्यान रखिए, आपको तकलीफें ज़्यादा हैं वृश्चिक राशि वालों को, तो हर कदम फूक फूक कर रखें तो बहुत बेहतर होगा। आप बात करेंगे धनु राशि की, आपके लिए यह गोचर 2रे भाव में होगा, धन संपदा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगी, परिवार में जो तनाव था वो दूर होगा, नौकरी और व्यापार में सब बढ़िया रहेगा, पारिवारिक कष्ट दूर हो जाएंगे, नौकरी धन दौलत सब कुछ आपके पक्ष में होगा, सारा कुछ आपको मिलने वाला है, आपको इस गोचर से लाभ ही लाभ मिलने की बहुत संभावना है।
मकर राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में गोचर होगा तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, सुखों में रुकावटें आएंगी, सफलता धीमी गति से मिलेगी, धन को निवेश को लेकर अपनी बुद्धि को बनाए रखिएगा, किसी के कहने पर आकर या बिना सोचे समझे पैसे का निवेश बर्बादी ला सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो 12वें भाव में ये गोचर होगा, खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी अधिक होगी, आमदनी से अधिक खर्चे होंगे तो परेशानियां तो पैदा होंगी ही। व्यापारी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, धोखाधड़ी हो सकती है, नौकरी में करने वाले लोगों की लड़ाई झगड़ा अपने बॉस के साथ हो सकता है, परिवार में थोड़ा तनाव हो सकता है, तो कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा संभल कर रहना है, गलतियाँ नहीं करनी है। 12वें भाव का गोचर कई बार अत्यधिक धन खर्च कराकर आपको कंगाल बना देता है, शनि की साढ़े साथी का भी प्रभाव चल रहा है, तो खासकर अपनी बीमारियों को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बात करेंगे अंतिम राशि है और वो राशि है मीन राशि। आपको अचानक से धन प्राप्त होगा, जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए, शादी विवाह तय हो जाएगा, ये वक्त दौलत कमाने का है, धन कमाने का, विदेश से लाभ कमाने का है, हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। 11वें भाव में ग्रहों का बैठना आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेगा, जो नहीं था वो हो जाएगा, आपको भी जबरदस्त लाभ होने वाला है मीन राशि वालों को, बहुत बहुत बढ़िया है। तो कुछ के लिए बढ़िया, कुछ के लिए ख़राब, तो अब जिनके लिए अच्छा है वो क्या करें, जिससे देवगुरु बृहस्पति को मजबूत बना लें, और जिनके लिए ख़राब है उनको तो उपाय करने ही करने हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए, ताकि पता चले कि देवगुरु बृहस्पति या अन्य ग्रह कितने ख़राब हैं कितने अच्छे हैं, तब हम उसका सही इलाज कर पाएंगे। नहीं तो मैं आपको कुछ उपाय तो वैसे ही बता दूंगा, जिन उपायों को करके शायद आपको थोड़ी बहुत राहत मिल जाए। तो जन्म कुंडली की जांच करा लेंगे तो फिर 100% श्योरिटी हो जाएगी कि आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए, आप लोगों को अगर जांच करानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे हम सामान्य रूप से देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कर सकते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आप पीपल के वृक्ष की सेवा करें, पीपल के पेड़ लगाएं, इससे देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। इसके अलावा बरसात जब होती है, बरसात के पानी में नहा लीजिए तो देवगुरु बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। बरसात का पानी बहुत ही शुभ पानी होता है, स्वच्छ पानी होता है। बरसात में नहाना यानी सर का गीला होना बहुत ज़रूरी है। जब सर गीला हो जाएगा, जो जहाँ पे आप देखते हैं पंडित लोग शिखा बांधते हैं, चुटिया बांधते हैं, ये जगह होती है देवगुरु बृहस्पति की। इतना हिस्सा अगर बरसात के पानी से गीला हो जाए तो समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे रिजल्ट देने लगेंगे। तो बरसात में नहाना, अगर आप पूर्ण रूप से नहीं नहा सकते हैं, कई बार कपड़े गीले होने का भय होता है, तो थोड़ा सर बाहर निकाल लें जहाँ बरसात हो रही है अपनी, ये हिस्सा गीला कर लें, इससे देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं। या बरसात का पानी इकट्ठा कर लें, किसी बाल्टी को रख लें, बर्तन को रख लें, इकट्ठा करके किसी चीज़ में भर के रख लें और रोज़ थोड़ा सा पानी निकालें और अपनी इस स्थान पर लगाएं, तो इससे भी देवगुरु बृहस्पति अच्छे हो जाएंगे। देखिए, बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा, बहुत ही लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप जब नहाने जाते हैं तो आप शॉवर से नहाइए, यानी कि ऊपर जो झरना चलता है ना बाथरूम में, शॉवर उससे नहाइए, उससे भी आपको अच्छे लाभ प्राप्त हो जाएंगे। तो बाल्टी और डब्बे से नहाने की बजाय शॉवर से नहाना भी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करता है, क्योंकि जो शॉवर से पानी आता है वो भी बरसात के तरीके से आता है। माना कि वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतरी तो होगी ही जब आप सुबह शाम या दिन में एक टाइम शॉवर से नहाएंगे। मैं कहता हूँ 2% ही देवगुरु बृहस्पति आपके अच्छे हो जाए इतना काम करने से। जब आप ये काम डेली करेंगे तो फिर आपको डेली अच्छे परिणाम भी मिलने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप मुझसे जन्म कुंडली की विवेचना कराएंगे तो मैं आपको ऐसे ही सरल उपाय बताऊँगा जिससे आपको लाभ हो, पैसा कम खर्च हो और छोटे छोटे उपाय करें जिससे लाभ ही लाभ हो। तो अगर आपकी कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।